नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा शंकर आप सभी का स्वागत करती हूँ राशि उपचार में। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा इस महीने में। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपके दोस्त मित्र या चाहने वाले किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस हिसाब से आपको उपाय बताऊंगी। आइए जानते हैं मासिक राशि फल सारी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा महीना। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, रुके अधूरे कार्य पूरे होंगे, भौतिक साधना व आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दौरान आपको करियर और कारोबार दोनों में काफी लाभ मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। इस महीने व्यर्थ की खर्चा करने से बचे, कार्य में सफलता मिलेगी। इस महीने में प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का उतावलेपन या प्रदर्शन से बचें, अन्यथा सामाजिक बदनामी के साथ आपके बने बनाए संबंध भी टूट सकते हैं। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा, व्यर्थ खर्चों में वृद्धि होगी, मानसिक बेचैनी बढ़ेगी। इस महीने आपको ऐसे किसी भी वादे को करने से बचना चाहिए जिसे भविष्य में न पूरा कर पाने पर आपको शर्मिंदा होने की आशंका हो। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि, पारिवारिक मतभेद रहेगी, जीवन साथी से काफी सहयोग मिलेगा, वाहन चलाने में सतर्क रहे वरना आपको परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर इस महीने आपको जीवन में सारे क्षेत्रों में मनचाही सफलता पाने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि, परिश्रम से हर कार्य में सफलता मिलेगी, आपको मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, किसी को बहुत सोच समझकर ही पैसा दे वरना आपको पैसे वापस मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी। किसी भी सिचुएशन में अपना आपा न खोए अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कन्या राशि स्वास्थ्य का ख्याल रखें वरना आपको वायरल प्रॉब्लम्स होने की काफी आशंका है, शांतिपूर्वक सोच समझकर ही फैसला लें। प्रेम संबंधों में कुछ गलत फहमियां पनप सकती है जिसे दूर करने में कोई आपकी मदद जरूर करेगा, साथ ही अपने जीवनचर्या को सुधारें और खान पान पर विशेष ध्यान दें वरना आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तुला राशि, प्रेमी जनों से मतभेद होने की संभावना बनती है, मानसिक उलझनें आपको परेशान करेंगी। हालांकि आपको स्वयं भी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है, वाहन संभल कर चलाएं क्योंकि चोट चपेट की आशंका है। वृश्चिक राशि, परिजनों के साथ सहयोग करें और आपसी झगड़े झंझट से दूर रहें। धनु राशि, संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, कर्ज लेने की संभावना बन रही है, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए महीना काफी लकी साबित होगा, खुशियों का माहौल बना रहेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मकर राशि, नौकरी में अचानक ट्रांसफर की संभावना बन सकती है, सावधान रहें, किसी से धन उधार लेने की भी नौबत आ सकती है, ऐसे में हाथ दबाकर चलें और अनावश्यक चीजों पर खर्चा करने से बचें। कुंभ राशि, व्यापार में लाभ मिलेगा आपको, कोर्ट कचहरी में व्यर्थ की धन खर्च हो सकती है, प्रेम संबंधों में भी सोच समझकर कदम बढ़ाएं अन्यथा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, दांपत्य जीवन में भी कुछ मतभेद पनप सकते हैं। मीन राशि वालों को सितंबर महीने के लिए ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी, ऐसे में अपना ईगो और गुस्सा छोड़कर लोगों से प्यार से काम निकलवाने का कला आप जितनी जल्दी सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, साथ ही अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी उपाय आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिएगा राशि उपचार। धन्यवाद।